दिलकश जिंदगी की लक्स टॉयलेट सोप, बस जरा सा लक्स। कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। डॉक्टर माथुर के बेटे अनन्या, इसमें तनु की कोई गलती नहीं है। तनु ने कोई गलती नहीं की, ये पूरी तरह से निर्दोष है बेटा। हाँ अनन्या, मैं सच कह रही हूं, तनु ने कोई गलती नहीं की, सारी गलती मेरी है। साहिल की प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने साहिल और तनु के बीच नफरत पैदा की। साहिल तो मुझे मां की तरह मानता है, लेकिन मैंने उसका पूरा पूरा फायदा उठाया। हे भगवान, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए वो ऊपर वाला भी मुझे माफ नहीं करेगा बेटा। लेकिन इस लड़की ने मुझे माफ किया है। कितना बड़ा दिल है इसका। मैंने इसके साथ जो कुछ भी किया है वो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करेगा। इसी बात का पश्चाताप हो रहा है मुझे अनन्या। मैं अपना पुराना इतिहास उठाकर देखती हूं तो यही सोचती हूं कि इतनी बड़ी गलती मैंने की कैसे। साहिल की दौलत के लालच में आकर मैंने इन दोनों को अलग कर दिया। देखो अनन्या, साहिल और तनु एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं मानती हूं कि जुनून में आकर उसने तुमसे शादी की, लेकिन आज भी वो प्यार करता है तो सिर्फ तनु से। और जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि तनु निर्दोष है तो वो तुम्हें छोड़कर इसके पास चला जाएगा बेटा।
मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, जो भी सजा देना चाहती हूँ मुझे दो। सही झुकाकर मैं उसे कबूल करूंगी बेटा, कबूल करूंगी। अनन्या, मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई बताना चाहती थी। काश ये सच मुझे पहले पता चल जाता तनु, तो मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब ऐसे दो राह पे खड़ी हूं कि किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। अनन्या, साहिल तो मुझे अपना मानता ही नहीं, लेकिन तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो अपना समझकर याद जरूर करना। चलती हूं। जानकर हैरानी हो रही है ना मयंक तुम्हें कि राजलक्ष्मी मौसी बदल गई है? हैरानी तो नहीं है, लेकिन यकीन भी नहीं हो रहा कि राजलक्ष्मी जैसी औरत बदल कैसे सकती है। दरअसल किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा। मेरी तो मौसी है, मुझसे ज्यादा कौन जानता है उन्हें। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था। पहले ये कहीं राजलक्ष्मी की कोई चाल तो नहीं? तनु बहुत भोली है, मुझे तो लगता है राजलक्ष्मी ने उसके सामने झूठे आंसू बहाए होंगे और वो बेचारी समझ ही नहीं पाई होगी। नहीं नहीं मैंक, राजलक्ष्मी मौसी ने खुद अनन्या और तनु दोनों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने खुद अनन्या के सामने कहा कि तनु निर्दोष है, सारी साजिशें उन्होंने की थी और वो भी साहिल की प्रॉपर्टी के लालच में। ये सब कहा राजलक्ष्मी ने, और वो भी तनु और अनन्या के सामने? इसका मतलब तो ये हुआ कि सचमुच उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है। अगर राजलक्ष्मी जैसी औरत बदल गई है तो ये सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन फिर भी मुझे इस बारे में आराम से बैठकर सोचना होगा। चाहे जो भी हो, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि राजलक्ष्मी सचमुच बदल सकती है। एक बात कहूं मैं, तुम दोनों को अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगर तुम वहां रहते तो कम से कम देवयानी जी और राजलक्ष्मी मौसी के बीच क्या बातें होती हैं ये तो हमें पता चल जाता। हम तो कभी उनकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं करने वाले। बिना सुने नानी माँ ने हम पर इल्जाम लगा दिया था कि हम उनकी बातें इधर से उधर करते हैं, और सचमुच कभी उन्होंने हमें सुनते देख लिया तो फिर हमारी तो खैर नहीं। पूजा, तुम नानी माँ से इतना क्यों डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई तुम्हें हाथ लगा के तो देखे। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई जरूरी बात हुई तो फोन करूंगी। और मयंक, अगर तुम्हें सच में लगता है ना कि ये सब राजलक्ष्मी मौसी की चाल है और तुम्हें इसकी कोई ठोस वजह समझ में आए तो बताना। ठीक है। मयंक कितना बदल गया है, जब से गया है फोन भी नहीं किया। इस लड़की की जिंदगी में जैसे ही एक औरत आती है ये मुझे भूल जाता है। मुझे अपनी नानी मां को क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, लेकिन आजकल इसे पूजा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बहू का घर में आना मतलब इस घर की बर्बादी। मेरा बस चले ना तो इस पूजा को जहन्नुम में भेज दो। हेलो, देवयानी जी गोदावरी बोल रही हूँ। फोन क्यों किया?
मेरे मयंक को तो तुमने मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं आपको समझाना चाह रही थी, बच्चों के बिना घर घर नहीं होता। मयंक बदल चुका है, आप भी बदल जाइए ना, छोड़ दीजिए अपने साजिशों को, पूजा को दिल से अपनाइए। मयंक और पूजा दोनों आपके पास लौटाएंगे। मैं उन्हें समझाऊंगी। क्यों गोदावरी, तुम्हारे घर में जगह कम पड़ गई या तुम्हारा उन दोनों से दिल भर गया या तुम्हारे पास उनका खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ रुपए भिजवा दूं। मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रही हूं, आदमी कितना भी बुरा कर ले, कितने भी बुरे रास्ते पे चले, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। ये सब बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी एक कड़वी सच्चाई है, जो जितना बुरा है उतना ही बड़ा विनर है। अपने आप को विनर कह रही हैं? क्या है आपके पास? सब लोग आपको छोड़कर चले गए, एक मयंक था, उसे भी पूजा ने बदल दिया है। आप भी बदल जाइए, राजलक्ष्मी बदल चुकी है, उसने तनु से माफी भी मांग ली है। क्या, राजलक्ष्मी ने तनु से माफी मांग ली? हाँ देवयानी, वो अपनी गलती के लिए पछता रही है। बेहतर होगा आप भी जल्दी समझ जाइए, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये क्या कहा गोदावरी ने, राजलक्ष्मी ने तनु से माफी मांग ली? मुझे भी राजलक्ष्मी से बात करनी होगी। भाभी कहाँ थी इतनी देर से? मैं और खुशी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, बताकर भी नहीं गई आप। पूर्वा, शांतनु कहाँ है? वो खुशी उसे मंदिर लेकर गई है। मुझे भी मंदिर होकर आना ही चाहिए था। ऐसी क्या बात है भाभी? बड़े दिनों के बाद तो मेरी जिंदगी में कोई खुशी का दिन आया है। अच्छा, मतलब साहिल भैया मान गए कि आपकी कोई गलती नहीं थी? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी मान जाएंगे। तनु दीदी कैसी है आप? घर पे फोन करके सबको खुशखबरी देने वाली थी। क्या कोई खास है? तो है, पता है राजलक्ष्मी मौसी अपनी गलती मान गई है, अपने किए पर बहुत पछता रही है वो। क्या? मैं नहीं मानती, इसमें जरूर राजलक्ष्मी होगी। सही कह रही हो तुम शीतल, मुझे भी लगता है इसमें जरूर राजलक्ष्मी मौसी की कोई चाल है, कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। भाभी आप उनसे सावधान रहिएगा। नहीं पूर्वा, ऐसा नहीं है, वो बहुत बदल गई है। उन्होंने अनन्या के सामने सारी सच्चाई स्वीकार की और मेरे सामने उससे माफी भी मांगी। उन्होंने खुद अनन्या से कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी साजिश की, मुझे फंसाने और साहिल की दौलत को पाने के लिए की। ये सब उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। यकीन तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है अब सब कुछ बदल जाएगा। हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही हैं। भैया को अब सारी बातें पता चल जाएंगी और आप और भैया दोनों एक हो जाएंगे। हाँ तनु दीदी, कितनी खुशी की बात है ना कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, हम सब पहले की तरह खुशी से रहेंगे। नहीं शीतल, नहीं, अब मेरा और साहिल का एक होना इतना आसान नहीं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? शीतल, अब साहिल की जिंदगी में मेरे अलावा कोई, उसने अपनी पत्नी माना है। ये शादी मान्य नहीं है।
कानून की नजर में वो साहिल भैया की पत्नी नहीं कहलाएगी। साहिल और अनन्या की नजर में तो उस शादी की अहमियत है ना, और मेरी नजर में भी इस शादी की अहमियत है। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको अनन्या से क्या मतलब दीदी? आप अपनी जिंदगी देखिए। कैसी बातें कर रही हो शीतल? अनन्या इंसान है, कोई गुड़िया नहीं। उसके सीने में भी दिल है जैसा कि मेरे सीने में। उसने भी साहिल से प्यार किया और मैंने भी। मैं अनन्या के बारे में ना सोचूं ऐसा तो हो नहीं सकता। ये रिश्ते अब इतने आसान नहीं रहे। देखना तो अब ये है कि वक्त इन रिश्तों को अब कौन सा मोड़ देता है। अनन्या, क्या हुआ, तुमने मुझे अर्जेंटली क्यों बुला लिया? मैं जरूरी मीटिंग में था ऑफिस में। तुमसे कुछ बात करनी थी साहिल। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गोदावरी जी की बातों को दिल से तो नहीं लगा लिया? अरे मैंने तुम्हें बोला था उनकी बातों पे ध्यान मत दो। किस किस की बात पे ध्यान नहीं दूं साहिल? किस, मैं समझा नहीं, किसकी बात कर रही हो तुम? तनु यहाँ आई थी। तनु? उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने उसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? साहिल, तमीज से बात करो उसके लिए, पत्नी है वो तुम्हारी। अब तुम्हें क्या हो गया? क्या वो तुम्हारे भी कान भर के गई है? पहले पूरी बात तो सुनो साहिल। राजलक्ष्मी मौसी को तुम बहुत मानते हो ना? अच्छा, अब समझा मैं। वो जरूर तुम्हें राजलक्ष्मी मौसी के खिलाफ भड़काने आई होगी। क्या कहा उसने उनके बारे में? कि वो बहुत बुरी हैं, उन्होंने एक जाल फैला रखा है जिसमें मुझे फंसा रखा है, मेरी दौलत हड़पना चाहती हैं, तनु की जिंदगी बर्बाद करने वाली वही हैं, यही सब गाना उसने। तुम उसे कितना गलत समझते हो? ये सारी बातें जो तुमने अभी कही, ये तनु ने नहीं, राजलक्ष्मी मौसी ने कही। राजलक्ष्मी मौसी ने? तुम क्या कह रही हो? अच्छा, आप समझा मैं। उसने जरूर तुमसे फोन पर बात करी होगी। तनु की ये चाले मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। उसने जरूर किसी से राजलक्ष्मी मौसी की आवाज बनवाकर तुम्हें फोन करवाया होगा। आखिर तुम्हें भी उसने अपने मोजाल में फंसा ही लिया। साहिल, किसी पे शक करने की एक लिमिट होती है। आज तुमने उस सारी हदें पार कर दी। तुम एक बेगुनाह औरत पे शक कर रहे हो? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, मैं नहीं जानती थी। राजलक्ष्मी मौसी ने खुद मेरे सामने तनु की मौजूदगी में ये सब बताया है कि तनु निर्दोष थी और वो तनु के खिलाफ साजिश कर रही थी। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर तुम्हारी शक की सुई है जो तनु पे अटकी है। तुम सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते साहिल। ऐसा कैसे हो सकता है? राजलक्ष्मी मौसी भला ऐसा क्यों करेंगी, और वो भी मेरे साथ? जरूर तुमसे कोई भूल हुई है अनन्या। हाँ, भूल हुई है साहिल, भूल हमने की है। तनु को गलत समझने की भूल की है, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने की भूल की है। हमने बहुत गलती की है साहिल, और अब इन गलतियों का कोई प्रायश्चित नहीं। राजलक्ष्मी मौसी ने मेरे साथ धोखा किया और ये बात मुझे पता तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर राजलक्ष्मी मौसी ने ऐसा किया है तो ये बात उन्हें मुझे बतानी होगी। मैं अभी जाकर मौसी से पूछता हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया आखिर। पर अगर राजलक्ष्मी मौसी ने सच्चाई तुम्हारे सामने बताई है तो उन्हें ये सच्चाई मेरे सामने भी बतानी होगी।
लक्स टॉयलेट सोप प्रस्तुत करते हैं कश्मकश जिंदगी की लक्स टॉयलेट सोप, बस जरा सा लक्स।